हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसटी एससी और ओबीसी के स्टूडेंट के बारे में, और इसके अलावा आज मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी अपेयरिंग में है, यानी कि वो पीजी कर रहे हैं या वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनकी बहुत सारी इंक्वायरी जाती है कि वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पीएचडी या एमफिल के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। तो आज इन तमाम मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे और बहुत खुलकर विवरण से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना ताकि आपके तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वो हल हो जाएं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं डॉक्टर लोकेश बाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं ऐसे लोगों से जो इस समय अपेयरिंग में हैं, यानी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनकी हमेशा इंक्वायरी होती है कि क्या वो एमफिल और पीएचडी के लिए डीयू में, जेएनयू में या तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खासकर डीयू या जेएनयू में। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है? आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी, जैसे ऑनलाइन तो वो हो जाएंगे फॉर्म, उसके बाद में आप हार्ड कॉपी सबमिट करवाओगे डीयू में या जेएनयू में या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिनमें वैकेंसी आने वाली है उनमें, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उसमें ये स्पष्टीकरण करना होगा कि इस समय अपेयरिंग में हूँ और जैसे ही आपकी एडमिशन की प्रक्रिया जिस अंतिम डेट में होगी उस समय में मेरी डिग्री आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो इसके आधार पर वो आपको एग्जाम दे लेने देंगे, आपको वाइवा भी दे दोगे आप और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन डेट आएगी, उस दिन आपको आपके कोर्स की अंक तालिका या कोर्स का डिग्री उनके सामने कंप्लीट चाहिए। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि माने डीयू या जेएनयू में जो एडमिशन की प्रक्रिया अगस्त तक जाती है, वो फाइनल उनके जो एडमिशन होते हैं वो अगस्त तक होते हैं, जब तक एंट्रेंस एग्जाम भी लगती है, फिर उसके कुछ टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, फिर बहुत समय लगाते हैं बीच में, कब, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं ये दोनों, पूरे भारत के लोग या विदेशों के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि अगस्त तक आपकी डिग्री अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाती है तो आप इनको जमा करा दोगे यहाँ पे लाके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, लेकिन साथ में एक एप्लीकेशन अटैच करना मत भूलना हार्ड कॉपी सबमिट कराते वक्त। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं तमाम तरह के वीडियोस बनाता हूँ जो डीयू जेएनयू से संबंधित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित है और हायर स्टडीज से संबंधित है। जो भी आपके सवाल आते हैं उनको मैं लेता हूँ हमेशा, और आपकी एक एक इंक्वायरी को मैं सॉल्व करता हूँ, लाइव भी देता हूँ। मैंने कई वीडियो बना रखे हैं जो डीयू जेएनयू को स्पेशली फोकस करके बनाए, आप इन वीडियोज को जरूर से देखना। और इसके अलावा मैंने तमाम जो यूनिवर्सिटियों में पीएचडी या एमफिल की जो वैकेंसियां निकलती हैं उनके भी वीडियोस बनाता हूं मैं, तो आप उनको भी जाके जरूर से देखना। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एसटी एससी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके बारे में, कि उनकी बहुत सारी इंक्वायरी ऐसी आती है कि सर, डीयू जेएनयू या तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में हमें कितनी परसेंटेज चाहिए मिनिमम पीजी में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको कितनी परसेंटेज चाहिए ताकि वो एडमिशन ले सकें पीएचडी या एमफिल के लिए। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एसटी और एससी से संबंधित हैं तो आपको मिनिमम जो आपकी पीजीएम परसेंटेज चाहिए वो 50% चाहिए। लेकिन ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये आप सुन लीजिए। सबसे पहले ये अप्लाई होगा आपके घरेलू स्टेट में, जिस जो स्टेट के आप रहने वाले हैं वहां पर, इसके अलावा सेंटर में ये अप्लाई होगा। सपोज ऐसे करो कि कोई आदमी जो एससी का है और वो राजस्थान उसका मूल प्रदेश है, तो उसकी जो 50% का जो एरिया है वो राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा, इसके अलावा दिल्ली में लागू होगा। तो वो कहीं अतिरिक्त, जैसे वो हरियाणा में जो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म लगा दिया उन्होंने, या फिर कहीं और यूनिवर्सिटी में स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म लगा दिया, तो वहां पर वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट में उन लोगों को भी जनरल में काउंट किया जाता है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी प्रदेश की हो आप उसमें लगा सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान से समझ लो। अब बात करते हैं ओबीसी की और जनरल के स्टूडेंट्स के बारे में। ओबीसी और जनरल से संबंधित जो छात्र हैं उनको 55% उनका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए पीजी में, तब जाके वो पीएचडी और एमफिल में एडमिशन ले पाएंगे। उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, उनको 55% की जरूरत है कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में एमफिल या पीएचडी में दाखिला लेने के लिए।
तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपके इस तरह के सवाल हल हो गए होंगे। और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, आपको तो पता ही है। तो आप वहां से मुझसे पूछ सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ जल्द अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए।